इस व्रत के करने से बच्चे चिंताएं होते हैं, वे देवी तुम भी उपयुक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजन करो, तुम्हारे अभिलाषित अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज भवन की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील इसने सुन लिया और अपने सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने उसे उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिनी ने भी व्रत किया। फिर वह कभी मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह में यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को सुनाई। सियारिन ने आधी कथा सुनी तो उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब के भरे हुए श्मशान पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाली में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह मौनी को उसने कारण किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए को अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसमें सियारी ज्येष्ठ पुत्र और चील छोटी। ये दोनों सभी शुभलक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ पत्नी अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याह गई। तो जन्म के कर्म फल से वह मेघनयनी रानी हुई कि जिस किसी की संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री भी पत्नी नक्षों के सदस्य तेजस्वी आठ बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर इस राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए और मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर काटवा कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे आठों सिर बीस कीमती जबरहाक हो गए और भले चंगे आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चली आई। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है इससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारी बेटी नहीं मरती। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्वजन्म में मैं चील थी और तुम सियारिणी, हमने और तुमने साथ साथ ये पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत में के नियमों की भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी पुरुष से हे बहन तुम्हारी बेटी नहीं जीते और राजानी दो राजानी अब तुम उस ये पुत्रिका का व्रत करो जो तुम्हारे बेटे तक आयु होंगे। मैं तुमसे वह सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसे उसके कई बेटे सुनकर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। श्री जी कहते हैं, इस प्रकार से आनंद देने वाला मैंने यज्ञ व्रत बताया। स्त्री चिरंजीवी संतान धाती हो तो विधि पूर्वक व्रत करें। मुझे प्रेम से विष्णु भगवान की जय। सब कोई बोल रहे हैं तो बुरे खाँसों का बच्चा सब दस को बैठ तो कर मूर्ति है ना किताब उताब जो करते हैं किताब उताब ला